बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चाल किसे कहते हैं, वेग किसे कहते हैं, औसत चाल किसे कहते हैं और औसत वेग किसे कहते हैं। एग्जाम्पल देकर के आपको समझा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए चाल क्या होता है। चाल, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पीड। चाल को क्या बोलते हैं? स्पीड। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए दूरी को चाल कहते हैं। फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर, चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए इसका मात्रक कैसे लिखेंगे। मात्रक किसका मात्रक? चाल का। तो चाल का मात्रक, दूरी का मात्रक क्या है? मात्रक। यहाँ पर लिख दे रहे हैं चाल बराबर। दूरी को किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। और समय को किस में नापते हैं? सेकंड में नापते हैं। तो इसका मात्रक लिखेंगे ऐसे, मीटर प्रति सेकंड। चाल का मात्रक कहलाएगा मीटर प्रति सेकंड। मीटर को शॉर्टकट में लिखते हैं एम और सेकंड को लिखते हैं स्मॉल एस, मीटर प्रति सेकंड। इसमें एक वर्ड और जोड़ देंगे आप, चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश, अदिश राशि है। चाल जो होता है इसमें केवल परिमाण होता है, इसमें कोई दिशा नहीं होता है। तो इसलिए कौन सी राशि है? एक अदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। लिख सकते हैं यहाँ पर, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल के बाद से आता है, चाल को कई तरह से करते हैं डिफाइन। चाल में जैसे आप आगे पढ़ेंगे, एक समान चाल क्या होता है, औसत चाल क्या होता है, तात्क्षणिक चाल क्या होता है। तो आपको हम बताएंगे आपके कोर्स में है, औसत चाल किसे कहते हैं। एक समान चाल आप जानते हैं, अगर कोई वस्तु समान या समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, समान समय अंतराल में समान दूरी, अगर 10 सेकंड में 10 मीटर तो अगले 10 सेकंड में भी 10 मीटर, अगले 10 सेकंड में भी 10 मीटर, तो कहेंगे वो क्या है? उसकी समान चाल है, वो एक समान चाल से चल रही है। एक होता है औसत चाल। औसत चाल क्या होता है? कोई वस्तु द्वारा तय किए गए कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं। तो देखिए औसत चाल क्या होता है, औसत चाल, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा इस दूरी को तय करने में लगा कुल समय का अनुपात औसत चाल कहलाता है। औसत चाल कहलाता है। औसत चाल बराबर
चली गई कुल दूरी, कुल दूरी बटे लगा कुल समय। औसत चाल बराबर चली गई कुल दूरी बटे लगा कुल समय। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे सुनिए, एक बिंदु है ए और एक शहर है बी। ए फार मान लीजिए ए आगरा है और बी से मान लीजिए बनारस है। आगरा से बनारस एक कार जाती है, ऐसे आगरा से बनारस तक एक कार जाती है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है इधर, और बनारस से आगरा जब लौटती है तो उसकी स्पीड होती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये लौटने वाली स्पीड है, ये चाल है। बताइए इसकी औसत चाल, उस कार की औसत चाल कितनी होगी। एक कार आगरा से बनारस की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है और बनारस से आगरा जब लौटती है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो बताइए उस कार की औसत चाल क्या होगी। तो आप जनरली क्या करते हैं, 40 और 60 को जोड़ देते हैं और दो का भाग दे देते हैं, कह देते हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि गलत है। ये कह रहा है औसत चाल बराबर चली गई कुल दूरी बटे लगा कुल समय। तो देखिए, चली गई कुल दूरी, मान लेते हैं हम ए से बी की बीच की दूरी यक्स है। ऐसे देखिए, माना ए से बी की दूरी बराबर यक्स, इसलिए चली गई कुल दूरी बराबर 2x। क्यों 2x? क्योंकि यक्स गया और यक्स लौट करके आया, तो चली गई कुल दूरी हो गया 2x। अब लगा कुल समय, आपको बताया गया है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ बताइए समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो ए से बी तक जाने में लगा समय निकाल लें, ए से बी तक जाने में लगा समय, ए से बी तक जाने में लगा समय, अगर T1 लगा हो तो T1 बराबर, देखिए समय बराबर दूरी, कितना दूरी तय किया हुआ है x, किस बटे चाल है तो किस चाल से गया है 40, तो यहां पर लिख दिया 40, T1 बराबर x बटे 40। इसी प्रकार जब लौटेगा तब टाइम कितना लगा, तो लिख सकते हैं बी से ए तक आने में लगा समय, लगा समय। यहां पर T2 कर दें तो T2 बराबर दूरी, कितना दूरी आया x और चाल कितनी थी 60, T1 और T2। अब देखिए यहां पर पूछा गया है औसत चाल, तो यहां पर लिखेंगे औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर चली गई कुल दूरी, चली गई कुल दूरी है 2x, और लगा कुल समय T1 प्लस T2। तो यह हो जाएगा 2x अपान x बाई 40 प्लस x बाई 60। इसको सॉल्व कर देंगे, चाल बराबर ऊपर है 2x और नीचे x कॉमन ले लेंगे, तो यह होगा 1/40 प्लस 1/60, x से x कैंसिल, यह हो जाएगा ऊपर 2। इसको सॉल्व करेंगे 40 60 जुड़ जाएगा और नीचे हो जाएगा 40 × 60, ये जाएगा ऊपर, तो 2 × 40 × 60/60 और 40 मिलकर के 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 × 8 = 48, 48 किलोमीटर पर घंटा, ये आएगा औसत चाल 48 किलोमीटर पर घंटा। एक कार अपनी
संपूर्ण यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष आधी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। कार के औसत चाल की गणना कीजिए, चाल के औसत चाल की गणना कीजिए। कोई दूरी है, कुल यात्रा मान लीजिए है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, और आधी दूरी यहाँ मान लेते हैं R। कह रहा है कि आधी दूरी जो है उस समय उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर घंटा और शेष आधी दूरी में 50 किलोमीटर पर घंटा। अगर कुल दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम 2x मान लें, कितना मान लें 2x, तो यह दूरी कितनी होगी x, और यह दूरी कितनी होगी x। तो आधी दूरी तय करने में लगा समय t1 बराबर, दूरी कितना है x और चाल कितना है 40, और शेष आधी दूरी तय करने में लगा समय t2 बराबर चली गई दूरी x और स्पीड कितना है 50, ऐसे निकाल लेंगे। देखिए प्रथम आधी दूरी तय करने में लगा समय t1 बराबर x बाई 40, शेष आधी दूरी तय करने में लगा समय t2 बराबर x बाई 50। तो औसत चाल जो होगा यहाँ पर, औसत चाल बराबर चली गई कुल दूरी x और x मिलकर के क्या हो जाएगा 2x, अलगा कुल समय है t1 प्लस t2, तो यह हो गया 2x अपान x बाई 40 प्लस x बाई 50। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा ऊपर 2x, नीचे x कॉमन 1/40 प्लस 1/50, ये 40 है, x से x कैंसिल, यह हो जाएगा इज इक्वल टू, ऊपर हो गया 2 और नीचे कितना हो जाएगा 50 प्लस 40 और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 × 50, तो ऊपर हो गया 2 × 40 × 50 और ये हो जाएगा 90। एक जीरो से एक जीरो काट दिया गया, अब ये कटेगा नहीं, तो हो जाएगा 5 × 20 और 20 और 2 × 4 400/9 किलोमीटर पर घंटा, या इसको काटना चाहते हैं तो काट लीजिए 400/9 किलोमीटर प्रति घंटा।